सर वेलकम टू एस के किसान ब्लॉग। और आज हम लोग आए हैं ओजस्वी महोत्सव। दोस्तों ये लगा है गोल बाजार पर और बहुत ही बड़े एरिया में लगा है, तो चलो चलते हैं। और आज मेरे साथ आए छोटी जो की कैमरा पकड़ा है। और करीबन एक साल हर साल लगता है गर्मी में लगता है, लेकिन इस बार थोड़ा पहले लग गया गर्मी शुरू होने से पहले, तो चलो चलते हैं। यार साथ ही जब हम ओजस्वी महोत्सव आते हैं तो यहाँ देख सकते हो जबलपुर के जितने भी कार्स के शोरूम है, बाइक्स के शोरूम है, सबके यहाँ पे काउंटर लगे हैं। देखो लाइन से लगा है। काय का काम है भैया आप बता सकते हैं? मॉडलर किचन का काम है। तो भैया का मॉडलर किचन का काम है। और आप इधर देख सकते हैं इनकी वेराइटियाँ रखी है सैंपल के लिए। और आप अपना बता सकते हैं क्या कैसा काम है? नंबर भी दे दीजिए। मेरा जबलपुर में है स्मार्ट इंटीरियर्स एंड मॉडलर किचन के नाम से, और हम लोग मॉडलर किचन बनाते हैं। और जो आप ये चीजें अगर मॉडलर किचन के सैंपल रखे हैं, सैंपल है पूरा डिस्प्ले हमने बनाया हुआ है जी, उसको भी दिखाते हैं। कैंप लगा के रखे हैं और ये बहुत ही बड़े एरिया पे यार, मतलब अलग अलग इन्होंने पार्टीशन ऐसे बांट दिए। देखो अब जैसे ही हम इधर से एंटर होंगे तो इधर से घुस के पूरा ऐसे इन्होंने पूरा साफ सीढ़ी टाइप का बना, और पूरे जबलपुर के होलसेलर और रिटेलर यहाँ पे मिलते हैं। यार यहाँ मसाले वगैरह के भी इन्होंने ऑफर लगाए हुए हैं, ठीक है। जो अपन बाजार में लोकल से मसाले नहीं खरीदते, लेकिन इधर से खरीदोगे तो एक के साथ ही क्या, एक के साथ दो भी मिलेंगे। और इस साइड भी दुकानें लगी हैं इधर, मतलब लेडीज वगैरह के आइटम से हम। तो देखो जैसे आप इधर ये चाय का इन्होंने इधर काउंटर लगाया है, ठीक है। कुछ नहीं, व्यक्ति टेस्ट कर करते जाता है। और मामला 100% में से केवल 10% बस, 100% में से केवल 10% लोग लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसा देखते नहीं जाता कि भाई कोई एलियन आ गया। और खाने पीने के आइटम भी है बहुत सारी चीज़, मतलब रिटेलर भी हैं और होलसेलर भी। मैंने बताया था आपको बिल्डर्स के भी इधर काउंटर लगे, छोटे छोटे इन्होंने काउंटर लगा के रखे हैं। और देखते हैं आगे क्या क्या, मतलब मज़ा आ रहा है भाई। तो छोटू मज़ा आ रहा है घूमने? छोटू देखो आज बिल्कुल स्मार्ट बन के आए कि लौंडा बिल्कुल लगना चाहिए। एक आध इसके लिए बहुत उड़नी, देखो बाल भी सेट कर रहा है। तो कोई हो तो ज़रूर बताना यार, अकेला बेचारे घूम रहे हैं। ये देखो कितने बारीक हो गए दोस्त। ये क्या आता है आपको? जैसे आपको खीरा, मूली, ककड़ी, गाजर, कोई यहाँ से आपको गाजर। तो जब हम लोग पिछली बार आए थे ना तो चना चोर गरम खाए थे, और आज कुछ ज्यादा भीड़ है और बहुत सारे डेमो भी देखने मिलते हैं। उधर चल के देखते क्या है। मैंने बोला था यहाँ कि जैसे कि इधर फ्री टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, फ्री चीज़ें लगी हैं, और बहुत सारे लोगों ने फ्री फ्री बहुत से ऐसे डेमो लगा के रखे थे। तो वो देखो छोटू लाल वहाँ तो अपनी आँख चेक करवा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक चेक करवाओ। लेडीज यूज का सामान देख लो, जेंट्स खाने झूले मूले भी लगे। तो ओजस्वी महोत्सव बहुत ही बड़े मुकाम पे होता, बहुत ही बड़ी जगह पे होता है, पूरा गोल बाजार पे लगाई चारों तरफ देखो, और बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है।
जगह पर मैंने यार मैं बताऊँ बहुत सारी दुकानें लगी थी, वो टी शर्ट की, जीन्स आइटम्स की, लेडीज आइटम्स की, अचार वगैरह की भी बहुत सारी यहाँ पे दुकान लगी है। भगवान की मूर्ति की, वो स्टील की हो, पीतल की हो, चाहे लकड़ी की हो, देखिए चार वो टी शर्ट की पीछे दुकान लगी है, इधर पे उन्होंने नमकीन वगैरह की दुकान लगा के रखी है। चलो देखते हैं आगे, मजा आ रहा बाकी। क्यों छोटू मजा आ रहा है आज के उस पे? यहाँ पे बहुत मजा है और बहुत अच्छे ये ब्लॉग है हमारा ना। हाँ, और एस के शशांक के जितने भी लोग हैं यार चाहने वाले यूट्यूब फैमिली, तो सब्सक्राइब जरूर पहले कर देना, ठीक है? ब्लॉग देखने के बाद नहीं करना, ब्लॉग देखने के पहले कर। जगह पे जब हम व्लॉगिंग करने आते हैं ना, खास कर जबलपुर पे, तो बहुत सारे चाहने वाले ही मिल जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि नए नए रहते हैं कि भाई हमें भी व्लॉग में ले लो अपने, और बहुत सारी दुकानें और बहुत सारे दुकानदारों से जुड़ने का मौका भी मिल जाएगा। दूसरा साचा कोई भी अगर लगाएंगे तो साचा एक लगाइएगा। साचे को लगाने के बाद आप ये मसाले को भर देंगे इसके अंदर, आप पेस्ट आपका घर में चाहे किसी भी चीज का होगा, डायरेक्ट तेल में या घी में डालने में कढ़ाई में आपको छानेंगे, फ्राई करेंगे सर, बारीक वाला मिक्सचर बनाते हैं, बारीक वाला सेव बनाते हैं, तो सिर्फ दबा देंगे आप, सांचे को निकाल देंगे, सांचा देखिए आपका निकल के वापस, कोई भी सांचा कोई भी। जब आप यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे आपको झूले वगैरह भी देखने मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे झूले के काउंटर लगे हुए, देखो पीछे झूले ही झूले लगे हैं, और इधर खाने पीने की व्यवस्था है, मतलब जाओगे तो भूखे पेट नहीं जाओगे, बहुत बढ़िया इन्होंने सुविधा देके रखी है, और बहुत सारे लोग पहचान के ही मिलते तो उनको भी लगता कि यार भाई ये कर रहा था, उनको बताता कि भाई ब्लॉगिंग चल रही है। देखो और पीछे खाने वगैरह की भी बहुत सारे काउंटर लगा के रखी है। यार एक चीज़ मैं बताऊँ, ब्लॉगिंग जब करते ना भाई, ब्लॉगिंग करने में एक बेनिफिट रहता है कि भाई जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, कि लोगों के सामने बिल्कुल तुम बीच में खड़े हो जाए, बोलो जो कौन क्या सोच रहा, कौन क्या नहीं सोच रहा, खेल लाने गया, ठीक है, और मज़ा आता है, लेकिन सच बताऊँ दिल से मज़ा आता है। जैसा कि मेरे आस पास देख सकते हो बहुत सारे इन्होंने झूले लगा के रखे हैं, साइड छोटे छोटे बच्चों का झूला है, और वो जब हम अपने बचपने में जब याद करते हैं ना, अपने बचपने में जाते हैं तो नहीं कूद कर रहे, ये देखो एक लोग बना के रखे थे 30-40 रुपए के आसपास से मेरे ख्याल से टिकट शुरू हो जाती है, और जो सबसे मेरा फेवरेट झूला है वो सबसे लंबा ही रहता है, ये देखो सबसे लंबा झूला, सबसे मनपसंद झूला ये मेरा कहलाता है। मुझे नहीं झूलना, एक बार झूला था भाई तब से डर लगने लगा, तो मैंने कहा भाई एक काम करती चल जा मैंने झूला, और बहुत बड़ा लगा। देखो ये जो देखो स्टेज की मैं बात कर रहा था, देखो पीछे भाई सबसे अच्छा जो लग रहा है ना भाई, मैं मतलब पूरा ग्राउंड घूम चुका सब कुछ घूमा, लेकिन सबसे अच्छा लग रहा है ना बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चल रहा है। आ जा तीनों आ जा। क्या मैं कहता ना कि जब भी हम व्लॉग बनाने जाते तो बहुत सारे लोग मिलते, तो ये भैया लोग मिले, और भाई का इधर छोटा सा गन्ने का इधर उन्होंने काउंटर लगा के लगाया है, तो भाई जितने भी लोग हो, ठीक है, इस व्लॉग को देखोगे ना तो इसकी दुकान में जरूर आना, जो भाई की दुकान पे गन्ने का जूस पीना है, और ये भैया भी है, ठीक। मैंने एक चीज कही थी ना कि दोस्त जब जब मैंने ब्लॉगिंग करी है तब तक नए सब्सक्राइबर मिले, और मिलते ही हैं भाई, आप निकलो तो आप जब बाहर निकलोगे ना आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा, नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, साथ ही सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, साथ ही कुछ ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं जो लाइफ टाइम के हो जाते हैं, लोग पहचानना भी शुरू करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है।
ठीक है। साथ यहाँ लकड़ी की बेंच है, लकड़ी के सोफे हैं और लकड़ी के बहुत सारे एंटिक पीसेज हैं जो कि हम घर में यूज करते थे। मैं बता रहा मतलब आओगे ना तो 10 रुपये टिकट है अंदर आने की, और कह सकते पैसा वसूल है, पैसा वसूल है। आज का व्लॉग हम समाप्त करते हैं। जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे थे धन्यवाद, तहे दिल से मेहरबानी। और YouTube फैमिली आप ही लोग के कारण धीरे धीरे सब्सक्राइबर गेन हो रहा है और साथ ही जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो आखिरी तक सपोर्ट करना यार दोस्त, कमेंट भी जरूर करना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। और ओजस्वी महा उत्सव ये लगा है अपना गोल्ड बाजार में, तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, बड़ा ही मज़ेदार है। 10 रुपये अंदर आने की टिकट है लेकिन हाँ फुल पैसा वसूल है। चलिए चलते हैं, जय भारत।